हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली टर्मिनल 3 लेके जाऊंगी और दिखाऊंगी वहाँ पे क्या क्या है और आपको क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल सकती हैं, कितनी जल्दी आना चाहिए और भी डिटेल्स। जनरली दिल्ली टर्मिनल बहुत बिजी रहता है, तो हमेशा 3 घंटे पहले ज़रूर आइए अपनी फ़्लाइट के लिए। हे गाइस, तो अभी मैं दिल्ली टर्मिनल 3 पहुँच गई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे अंदर जाने का क्या सीन है और फैसिलिटीज़ क्या हैं। तो कीप वॉचिंग, तो लेट्स गो। अभी बैग बहुत भारी है तो मैं ये ट्रॉली लेने वाली हूँ। थैंकफुल यहाँ पे ट्रॉलीज बाहर ही होती हैं। यप, लेट्स गो। ये हमारा T3 बाहर से। एज़ टू आप यहाँ पहुँच कैसे सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे कन्वीनियंट है कैब या मेट्रो। कैब डिपेंडिंग आप कहाँ से चल रहे हो, मेरा 30 किलोमीटर दूर है बट मुझे 350 रुपये लगते हैं। वरना मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हो क्योंकि टर्मिनल 3 पे डायरेक्ट मेट्रो आता है न्यू दिल्ली से, तो आप वो वाली लाइन पकड़ के यहाँ आ सकते हो। यहाँ पे हर जगह सेल्फ चेक इन वाला कियोस्क दिया हुआ है, यहाँ से आप सेल्फ चेक इन कर सकते हो बाहर से। यहाँ घुसते ही आपको खाने का बहुत ऑप्शन मिलेगा और E2G पे जाना है। थिंक यहाँ पे चेक करेंगे हम। तो यहाँ से तो इमिग्रेशन नहीं है, वो मुंबई से होगा, तो यहाँ से डोमेस्टिक डिपार्चर है। सिक्योरिटी चेक में काफ़ी टाइम लगा, इवन तो सुबह के 7 बज रहे थे। तो जैसे मैंने बोला, जल्दी ज़रूर आइएगा क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ 20 मिनट तो लग ही गया था। 20 मिनट मतलब 15 मिनट तो लाइन में खड़े हुए लग गया था और उसके बाद फिर 15 मिनट चेकिंग में लग गया था। फाइनली सिक्योरिटी चेक ख़त्म हुआ, कुछ 45 मिनट्स लग गए यहीं पे। अब गेट पे जा रही हूँ मैं। बोर्डिंग बोला था 7 बजे शुरू है बट आई डोंट थिंक सो, अभी तो शुरू हुआ है। तो यहाँ पे 34B है गेट। यहाँ पे टर्मिनल 3 में बहुत सारे गेट्स हैं, 62 तक हैं, तो यहाँ से लेकिन पास पड़ेगा, तो लेट्स गो। और यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा शॉपिंग और खाने का भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा शॉपिंग का एरिया। सारे ब्रांडेड शॉप्स मिलेंगे यहाँ पे। पर मैकडे भी है, फूड कोर्ट है और यहाँ पे साइड पे टॉयलेट्स और गेट्स हैं। ये नीचे भी खाने का है, दिल्ली स्ट्रीट वगैरह। क्रोमा का भी शॉप है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली मेरा दोबारा एयरफोन्स टूट गए तो मुझे यहाँ पे ख़रीदने पड़े, क्योंकि एडिटिंग एंड बाकी सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो यह 1400 रुपये का नुकसान। एनीवे अभी मैं थोड़ा भूख लग रही है तो मैं आई थिंक बर्गर या फिर मैकपॉफ पिज़्ज़ा ले रही हूँ, मैकडी से सस्ता टिकाऊ अच्छा, क्योंकि अभी बोर्डिंग आई थिंक टाइम में अभी शुरू नहीं हुआ है, 7:10 हो गए हैं। तो क्या ये है हमारा मैकडी और यहाँ पे स्ट्रेट जाएंगे तो वहाँ पे प्रीमियम प्लाजा भी है। इधर काफ़ी सही है, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है खाने के लिए। और ये है ऊपर से ऐसा दिखता, ये रहा प्रीमियम लाउंज। जैसे कि मैंने आपको बोल रखा है, मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उस पर हर क्वार्टर में एक एक्सेस फ्री है, चाहे इंटरनेशनल या डोमेस्टिक हो। ऑल्दो ये डोमेस्टिक वाला लाउंज है एनीवे। तो हाँ, अभी तो लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं है। तो या ये है मोस्टली यहाँ का फूड कोर्ट और शॉपिंग वाला एरिया। लेट्स गो फॉर मैकडी एंड देन बोर्डिंग गेट। या नोट, इस टर्मिनल के मैकडी से मत खरीदेगा, अलग ही लूट मचा रखी है। जो 40 रुपये का आलू टिक्की बर्गर होता है वो 100 रुपये का दे रहे हैं यहाँ पे। तो ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था तो पेमेंट करना था बट या डू नॉट ऑर्डर फ्रॉम मैकडी, अलग ही महंगा है। अब 7:20 हो गया तो मैं प्रीटी श्योर शुरू हो गया होगा, तो अब मैं जा रही हूँ। होपफुली 5-10 मिनट में पहुँच जाऊँगी, तो 7:30 तक पहुँच जाना चाहिए। एक बार बोर्ड पे देख लेती हूँ बोर्डिंग शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। शुरू हो गया है, लास्ट कॉल है तो जो सेटिंग देर। ये रहा हमारे गेट्स वाला एरिया, 37 है, हमें जाना है 34 पे।
फ्लाइट नंबर AY665 एयर इंडिया। नहीं कॉल तो नहीं आया अभी तक। मोबाइल नंबर आपके पास है ना? हाँ जी। ये तो अलग ही एडवेंचर हो गया। कुछ 4-5 लोग ही बचे हैं बट उन्होंने कॉल नहीं किया अभी तक। आई थिंक वो 5 मिनट बात करते और 500 रुपये का अलग फटका, क्योंकि जो वो यूज़ करते हैं वो पेड सर्विस होता है, वो 500 रुपये लेते हैं। चलो ये भी एक चीज़ सीख ली आज। और हाँ, अगर मैं वॉक करके आती तो 10-15 मिनट तो डेफिनेटली लग जाता हूँ, तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब जाते हैं फ्लाइट पे, लेट्स गो। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।